तो कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं एबल की माँ को। यहाँ पे हम एबल की माँ को पहली बार देख रहे हैं और उसी के साथ एबल को छोटा हुआ देखते हैं। कई बार पे एबल की उम्र 3 या 4 साल होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। उसके हाथ में एक जादुई तलवार है। वो जादुई नहीं लेकिन वो समझता है कि वो जादुई है। और इसके जवाब में उसकी माँ कहते कि चलो बहुत ज़्यादा खेल के हो गया है, अब खाना खा लो। इसके जवाब में एबल कहते हैं कि मुझे खाना नहीं खाना, मुझे स्नैक्स चाहिए। एबल की माँ गुस्सा करते हुए कहती है कि खाना खा लो, उसके बाद स्नैक खा लेना। लेकिन इसके जगह पे एबल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और यहाँ पे अपनी तलवार को मतलब घुमाने लगता है यहाँ वहाँ पे। और उसी के साथ हमें पता चलता है कि सब कुछ चालू है, जो भी मेमरीज है वो एबल के दिमाग के अंदर अभी स्टोर है, वो उस मेमरीज के अंदर जी रहा है। उसे पता नहीं कि बाहर की दुनिया में कहाँ क्या चालू है और बाहर की दुनिया में क्या तबाही मचा रहा है। उसी के साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कार्निवल का जितना भी सामान है या फिर कार्निवल के जितने भी स्लाइड है, शो है, जितने भी तंबू या टैंक है, वो सब कुछ तबाह हो गए है। एबल ने उस सबको ख़त्म कर दिया है। एबल के सामने कोई भी आता है तो एबल उसे मारने से कम, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या चालू है। तो इसके जवाब में एबल को कुछ पता ही नहीं है। हम देखते हैं कि उस टोर्नेडो के अंदर मैगी भी चली जाती है और मैगी उस टोर्नेडो के अंदर जाते हैं 2-4 लोग और भी चले जाते हैं। बॉबी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बॉबी को लगता है कि अगर एबल को याद आ जाए कि उसके सामने कौन खड़ा है या फिर उसे पता चल जाए कि उसके सामने उसके अपने ही लोग हैं, उसकी फैमिली है, तो वो रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि एबल अपने खुद की मेमरीज में है। किसी को ये नहीं पता कि वो कहाँ पे है या क्यों है। उसी समय हम देखते हैं विजर्ड को। विजर्ड के सर के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई है। उससे हमें पता चलता है कि पिछली बार जब वो उसके पिताजी से यानी कि एबल के पिताजी से मिला था तो उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। विजर्ड अपनी जादुई शक्तियों से एबल को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, उसे मेमोरी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और एबल को फिर से एक बच्चा या फिर इंसान बनाने में कामयाब हो जाता है। एबल जैसे वापस से नॉर्मल होता है तो अपने आसपास की तबाही देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, बहुत ही ज़्यादा सहम जाता है। इसके जवाब में फॉक्स उसके पास आके उसे एक कपड़ा दे देता है, क्योंकि टॉर्नेडो बनते वक्त एबल के सभी कपड़े फट चुके थे। वो कपड़े पहनते हुए अपने आसपास में देखता है। बॉबी उसके पास आके कहती कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? एबल कहते कि मेरे पास मत आना, मैं शायद तुम्हें भी चोट पहुँचा दूँ। एबल के सामने बॉबी कहती कि नहीं डरो मत, मैं तो नहीं डर रही, तुमसे तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। एबल कहते कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, थोड़ा आसपास देखो आपने क्या हुआ है, ये मैंने किया है। ये कहते हुए वो वहाँ से भागने लग जाता है। जैसे एबल वहाँ से भागने लग जाते हैं अभी भाग जाता है तो बॉबी उसको रोकने की कोशिश करती है। कार्निवल के बाकी के लोग भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से मैगी की आवाज़ आती कि उसे जाने दो, अब वो यहाँ पे वापस लौट के कभी नहीं आ सकता, मुझे उस बच्चे की शक्ल वापस नहीं देखनी। इसके जवाब में पॉक्स को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो एबल को ढूंढने के निकल जाता है। जाते जाते वो सबसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो बच्चा एक मॉन्स्टर है? तो हाँ, शायद वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर है। तुम सब लोग, तुम्हें क्या लगता है कि एक बच्चे को ऐसे रेगिस्तान में, एक ऐसे दुनिया में या फिर ऐसे जंगल में छोड़ के तुम्हें क्या मिल जाएगा? उसे तो मदद चाहिए थी, उसके लिए तो वो यहाँ पे आया था, लेकिन शायद मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन जो कुछ भी हो, मैं इंसान नहीं हूँ और मैं उस बच्चे को नहीं छोड़ने वाला, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। ये कहते हुए फॉक्स उस जंगल के अंदर या फिर उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे एबल हो सकता है। एबल बहुत ही ज़्यादा जख्मी था तो एबल बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था, तो फॉक्स उसे बहुत ही जल्दी ढूंढ लेता है। और फॉक्स कहता है कि डरो मत, हम कोई ना कोई दूसरा उपाय ढूंढ ही लेंगे इसके ऊपर कि सब कुछ क्या हो रहा है। इसके जवाब में फॉक्स एक चीज़ और देखता है और एबल भी ये देख के बहुत ही ज़्यादा सहम जाता है। ये चीज़ वो होती है जो अभी तक किसी ने नोटिस नहीं की थी कि एबल के सीने के ऊपर जो दाग है वो बढ़ चुका है। तो आपको क्या लगता है कि एबल आप पूरी तरह से एक टॉर्नेडो मॉन्स्टर के अंदर बदलने वाला है या नहीं, ये तो हम जल्दी जानेंगे आगे पार्ट में। तब तक ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।